नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अभिषेक कुमार को लेकर। जी हां, अभिषेक कुमार अभी हाल ही में बिग बॉस 17 के घर में ही अपना गेम खेल रहा है। हालांकि अभिषेक कुमार बिग बॉस में जाने से पहले दिन से ही वो सबसे लड़ रहा है। हालांकि प्रोमो में फर्स्ट डे बिग बॉस के फर्स्ट शो में ही वो वहाँ ईशा मालवे से झगड़ पड़े। सलमान खान के सामने ही अभिषेक कुमार और ईशा मालवे एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हुए दिखे। ईशा मालवे ने अभिषेक कुमार को कहा कि वो उनको हरास करते थे और वो उन पर गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं अभिषेक कुमार सेट पर जाते ही और घर में घुसते ही वहां पर सभी से लड़ने लग गए। यहाँ तक कि वो घुसते ही मनारा चोपड़ा से भी लड़ चुके। उन्होंने मनारा चोपड़ा को ऐसा कुछ कह दिया कि उन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई और मनारा चोपड़ा को बहुत गुस्सा आ गया। यहाँ मनारा चोपड़ा की ही बात नहीं है, यहाँ अभिषेक कुमार सभी से घर में लड़ते हुए दिख रहे हैं और वो सभी को यही कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। ये कह कहकर सब लोगों ने उन्हें फेक बना दिया है। सबका ये मानना है कि अभिषेक कुमार फेक है। तो आइए चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में अभिषेक कुमार को लेकर बहुत से दिलचस्प बातें बनाएंगे और उनके बिग बॉस के घर में उनका क्या चल रहा है, उनका किससे झगड़ा चल रहा है, वो सब चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। 26 अगस्त 1995 को मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब भारत में पैदा होने के बाद अभिषेक का पालन पोषण उनके माता पिता और भाई बहनों ने किया। अभिषेक कुमार को पहली बार प्रदर्शन और मॉडलिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उनको ये जब वो स्टूडेंट थे तभी उनको इंटरेस्ट आ चुका था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अभिनय कक्षाएं भी ली और कई टेलीविजन शो में और मॉडलिंग कंपनियों के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। उनकी फिल्में वायरल हो गई और वो टिकटॉक पर उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, जहाँ उन्हें पहली बार वीडियो निर्माता के रूप में सफलता मिली। अभिषेक ने अपना पहला करियर टिकटॉक पर एक वीडियो कंटेंट निर्माता के रूप से शुरू किया, जहां उन्होंने अपने डांस, सिंगिंग, सभी लिपसिंग वीडियो को साझा किया। उन्हें हमेशा से ही प्रदर्शन, मॉडलिंग और फैशन का शौक रहा। अपने वायरल फिल्मों के जरिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। 2020 में भारत में टिकटॉक के गैरकानूनी घोषित होने से पहले अभिषेक लाखों फॉलोअर्स के साथ प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने गए थे। वो वर्तमान में अपने लिपसिंग वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एमएक्स टकाटक तक सहित अन्य सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट करते हैं। अभिषेक ने केवल एक प्रसिद्ध टिकटॉक सेलिब्रिटी हैं बल्कि एक प्रसिद्ध फैशन मॉडल भी हैं, जिनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया साइटों पर हजारों प्रशंसक हैं। वो इंस्टाग्राम पर अपनी आकर्षक और प्यारी पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। छवि और वीडियो इंस्टाग्राम स्टार के रूप में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण उन्हें प्राण मीडिया और अन्य सहित कई मॉडलिंग और प्रतिभा प्रबंधन कंपनियों द्वारा बुलाया गया। अभिषेक ने एक मॉडल के रूप में और इंस्टाग्राम पर विभिन्न फैशन, खेल, त्वचा देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल ब्रांडों को बढ़ावा दिया, जिनमें EPI के डैनियल वेलिंगटन और कई अन्य शामिल हैं। आपको बता दें कि जल्दी कई इंटरनेट पत्रिकाओं और समाचारों की कवर पर दिखाई देंगे। 2021 में अभिषेक कुमार की कुल संपत्ति 80 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। उनका राजस्व उनके अभिनय, टीवी उपस्थिति, मॉडलिंग, विज्ञापनों, ब्रांड विज्ञापन, संगीत वीडियो और अन्य व्यावसायिक प्रयासों से प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि वो मुख्य रूप से अपने चैनल पर सराहते प्रतिक्रिया, लिपसिंग वीडियो, सभी चीज़ें शेयर करते हैं। अपनी कथित प्रेमिका और साथी कलाकार ईशा मालवीय के साथ अभिषेक का काफ़ी ज़्यादा आपको बता दें कि अभिषेक का ईशा मालवीय के साथ अफेयर रह चुका है। वो लोगों ने एक साथ उडारिया सीरियल में काम किया, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना छोड़ दिया। हाल ही में अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय बिग बॉस 17 के रियलिटी शो में गए हैं। वहां पे एक बिग बॉस घर में घुसते ही उनकी शानदार एंट्री हुई और उन दोनों के बीच नोक झोंक कुछ ऐसी बीच लड़ाई हुई। ग्रैंड प्रीमियर में ईशा मालवीय ने तो अभिषेक कुमार पर मारपीट करने का आरोप तक लगा दिया। इस वजह से सलमान खान भी बहुत गुस्सा हो गए। आपको बता दें कि ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का ब्रेकअप हो चुका है और वो अब एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय ने उडारिया में साथ काम किया था। शूटिंग के दौरान ही उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पॉजिटिवनेस की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। बिग बॉस में दोनों के साथ में एंट्री हुई और सलमान के सामने दोनों अपना ब्रेकअप लेकर बैठ गए और बुरी तरह लड़ने लगे। हालांकि सलमान खान के शो में आने तक स्क्रीन पर ईशा और अभिषेक का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बारे में बात की थी। अभिषेक ने कहा कि वो ईशा मालवीय से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे उबरने से उनकी काफी वक्त लगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि ब्रेकअप के तुरंत बाद ईशा ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था। अभिषेक ने ये भी कहा कि ईशा और उनका ब्रेकअप एक्ट्रेस की माँ की वजह से हुआ, उन्होंने ईशा से बात नहीं करवाई। इसके अलावा ईशा मालवे ने अभिषेक के साथ अपने रिश्ते से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अभिषेक को डेट नहीं कर रही थी, उनके बीच बस अटैचमेंट था। ईशा ने ये भी कहा कि अभिषेक काफी पॉजिटिव है। इसी बीच अभिषेक ने यूज करने वाली बात की जो ईशा को काफी बुरी लगी। अभिषेक कुमार ने कहा कि अगर उन्हें ईशा की वजह से अटेंशन मिलता है तो वो उनका यूज भी कर लेंगे, जिसके बाद वो काफी नाराज हैं। दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई। ईशा ने कहा कि अभिषेक बहुत पॉजिटिव है। एक किस्सा सुनाते हुए ईशा ने कहा कि उडारिया के सेट पर उनकी और अंकित की शादी होने वाली थी। इस बात से परेशान अभिषेक ने खुद को घंटों बंद कर लिया था। अभिषेक ने माना कि वो पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि छोटे से गांव से वो चंडीगढ़ गए थे, ये इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। वो ईशा से प्यार करते थे और उन्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहते थे। ईशा मालवीय ने कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है लेकिन वो फिजिकल वायलेंस नहीं सह सकती। इस पर अभिषेक नाराज हो गए। फिर ईशा ने कहा कि एक बार अभिषेक ने उन पर हाथ उठाया। सफाई में बेकाबू एक्ट ने कहा कि वो नाखून मार रही थी इसलिए उन्होंने बचाव में ऐसा किया। दोनों के बीच बहस होने लगी, तभी सलमान नाराज हो गए और अभिषेक से आवाज नीच की बात की। आपको बता दें कि हाल ही में ईशा ने तय किया कि उन्हें अभिषेक के साथ एक ही बेड शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कंटेस्टेंट मनारा चोपड़ा ने ईशा के इस बात पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी कि ईशा और मनारा में लड़ाई हो गई। शो में देखने को मिला कि बिग बॉस ने ईशा मालवीय से अभिषेक कुमार के उनके साथ दिल रूम में जाने के बारे में सवाल किया। जब उनसे पूछा गया कि वो दिल वाले रूम में किसे ले जाना चाहेंगे तो उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि वो अभिषेक कुमार। ईशा ने कहा कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है और उसके साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हैं। बाद में मनारा चोपड़ा को अभिषेक से कहते हुए सुनता है, तुम लड़की को अपने साथ ले जाओ। इससे ईशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये किसी के बारे में बात करने का तरीका नहीं है, मुझे अपने मामले के बीच में मत डालो और मेरे बारे में नॉर्मल तरीके से बात करो। आपके लिए इस तरह के बयान देना ठीक नहीं होता लेकिन मुझे इस तरह के स्टेटमेंट पसंद नहीं है। मनारा ईशा को लेकर और भी बयान देती नजर आई। वो अभिषेक से कहती हैं वो चाहती हैं कि तुम दिल के कमरे में रहो और तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार है। मेरा मतलब है कि वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसे अपने एक्स के साथ सोने में कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार ने इन चंद दिनों में ही कई लोगों से बिग बॉस के घर में पंगा ले लिया है। इस लिस्ट में ईशा मालवीय से लेकर सोनिया बंसल तक के नाम शामिल है। कलर्स टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस में इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। लोगों को ये सीजन काफी पसंद आ रहा है। पहले दिन से ही इस शो में कुछ ना कुछ हो रहा है। इस बीच सभी लोग कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार की बात कर रहे हैं। अभिषेक को लोगों ने गुस्सैल आदमी का टैग दे दिया है। अभिषेक ने अब तक बिग बॉस के घर में कई लोगों से पंगा ले लिया है। इस लिस्ट में ईशा मालवीय से लेकर सनी आर्या तक के नाम है। अभिषेक कुमार ने प्रीमियर के दौरान ही ईशा मालवीय से पंगा लिया था। सलमान खान के सामने ही अभिषेक ने ईशा को जमकर फटकार लगाई थी। फिर बिग बॉस के घर में एंट्री करने के बाद ईशा और अभिषेक में काफी विवाद हुआ था। बता दें कि अभिषेक और ईशा पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वही सनी आर्या से भी अभिषेक कुमार भिड़ चुके हैं। दोनों के बीच मामला काफी गर्म हो गया था। बाद में अभिषेक और सनी का लोगों से अलग किया गया। बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार ने आते ही मनारा चोपड़ा को टारगेट किया था। उस वक्त अभिषेक ने मनारा से काफी गंदे तरीके से बात की थी। वहीं अनुराग डोभाल से भी अभिषेक कुमार की कुछ बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। लोगों का मानना है कि अभिषेक और अनुराग के बीच जल्द ही विवाद हो सकता है। वहीं अरुण माशेट्टी और अभिषेक कुमार के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हाल ही में दोनों के बीच भयंकर बवाल हुआ था। इस दौरान अभिषेक और अरुण एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हम सोनिया बंसल, अभिषेक कुमार और सोनिया बंसल आपस में भिड़ गए थे। उस वक्त सोनिया ने अभिषेक को गाली दे दी थी। इसके बाद अभिषेक का पारा हाई हो गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अब सलमान खान अभिषेक कुमार की क्लास लगा सकते हैं। अभिषेक ने जिस तरह से घर में रिएक्ट किया है उसे देखते हुए लोगों का कहना है कि उन्हें सलमान से डांट पड़नी चाहिए। अभिषेक मालवीय के इस तरह के रिएक्शन को यहाँ तक के सभी सेलिब्रिटीज उसे फेक बता रहे हैं। उनका कहना है कि अभिषेक बहुत फेक है। सबका अर्चना गौतम ने भी ईशा मालवीय को लेकर कहा कि
तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी एक्स आ रही है, तो तुम यहाँ जाकर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एक्स आ रही है? तुम बहुत झूठे हो, तुमने मुझे कुछ और कहा और वहाँ जाकर कुछ और कह रहे हो। वही राजीव बदौतिया ने अभिषेक को कहा कि वो भले मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें दोस्त मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि वो शांति से गेम खेले, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना झगड़ा करने की ज़रूरत है। वही काम्या पंजाबी ने अभिषेक कुमार को कहा कि मैं तो ऐसा ही हूँ करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक कुमार हर चीज़ में मैं तो ऐसा ही हूँ करके बोलते हैं, ये एकदम फेक है, अभिषेक कुमार बहुत ही फेक है। उनका ये बिहेवियर लोगों दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। हाल ही में दर्शकों ने कहा कि वो फेक हो चुके हैं, वो वहाँ पर बस लड़ाई करने का मौका ढूंढ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।